मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि अपना एस्क्यूस में रखते हैं। कभी कभी उसके कारण हमको बहुत बड़ा क्लेम देना पड़ता है, अगर अपना गलती रहता है क्लेम देना पड़ता है। क्योंकि जब अपन जो टेस्टिंग मशीन ले वो अगर अपने लिए काम नहीं किया ठीक से, तो फिर अपना बराबर सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो फिर अपना मार्केट में काउंट टू अलग काउंट चला जाएगा। उसके लिए मैंने खुद भी देखा है, मतलब गुजरात साइड में मैं जब था, एक मिल में रैप ब्लॉक जो होता है, ये रैप ब्लॉक देखो और रैप रेल, वो क्या मीटर का सिस्टम में ले लिया था। मतलब मीटर का सिस्टम मतलब क्या है, इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो एक यार्ड का होना चाहिए, ये एक मीटर वाला आ गया। और ये जो होता है रैप रील होता है, डेढ़ यार्ड का होता है, तो वो डेढ़ मीटर का आ गया। तो वो जो मैनेजमेंट था, टेक्निकल टीम था, इसको स्टडी नहीं किए और अपने हिसाब से जो यार्ड के हिसाब से जो कंस्टेंट बनता है, यार्ड के हिसाब से जैसे एक कंस्टेंट मैंने बना रखा, वही कंस्टेंट से वो काउंट निकालते गए। तो उसमें क्या हो गया, समझ लो जैसे मार्केट में गया, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ मार्केट में 40 एनी गया, ठीक है, अपन को 40 एनी में अपन को देना था, समझ लो 40.5 काउंट देना था, और उसमें अगर गलती से जाएगा तो ये 42 काउंट तक आ जाएगा, तो इतना पार्टी फाइन लेगा नहीं। तो इसीलिए दिक्कत जाता है, कभी भी आप रैप रील या रैप ब्लॉक मंगाते हो एस्क्यूस में, तो सबसे पहले इसको चेक करो, इसका सरकमफेरेंस कितना है। सरकमफेरेंस अगर गड़बड़ है तो उसी हिसाब से आप फार्मूला निकाल के एस्क्यूस में चार्ट लगा दो कि ये कंस्टेंट से अपन ये निकालेंगे। और सबसे पहले देखो रैप ब्लॉक और रैप रील का बात बता दूँ, ये देखो एक स्टेनलेस स्टील का एक ब्लॉक है, ये हॉलो रहता है अंदर से, सॉलिड नहीं रहता, और इसमें एक स्टील का बार है, यहाँ पे गाइड है, यहाँ से आप स्लाइवर दे के घुमा सकते हो, ऐसे हैंडल है, हैंडल में घुमा सकते हो। और अगर सिंपलेस बॉबिन का जब घुमाओगे, तब इसमें ये जो रोलर है, रोलर के ऊपर एक स्टील का रोल भी लगता है, सिंपलेस बॉबिन जब लगाओगे तो स्टील का रोल भी लगता है, तो उस टाइम में इसमें क्या प्रेशर डालने के लिए रहता है, तो वो इधर फिर स्टील रोल हो गया, रबर रोल हो गया, ब्लॉक हो गया, और ये हैंडल हो गया। और ये देखो ये सिंपलेस बॉबिन लटका के रखे हुए, ये सिंपलेस बॉबिन का यहाँ से घूमता रहेगा, और जैसे आप हैंडल घुमाओगे खींचता रहेगा, और ये स्लाइवर है। तो इसका सबसे बढ़िया चीज़ ध्यान रखो, ये जो है इसमें एक बार बीच बीच में पॉलिश करना, सफाई करना, नहीं तो इसमें क्या रस्ट लग जाता है, फिर चिपकता रहता है, और कॉटन फाइबर में वैक्स रहता है, वैक्स के कारण इसमें क्या रहता है, चिपक जाता है, जैसे आप घुमाओगे ना वो चिपक जाएगा, वहीं पर लपट जाएगा। तो इसको साफ सफाई रखना बढ़िया से। और रैप ब्लॉक देखो, रैप ब्लॉक हो गया, रैप रील देखो, यहाँ पे एक स्टैंड जैसा रहता है, इसमें रिम फिल्म का बॉबिन या कोन रहता है, तो इसमें 10 कोन का या जो 10 बॉबिन का स्टैंड रहता है, अगर कोन घुमाओगे इसका पीछे अलग से टिल्ट करके रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कोन है ना, ऐसे थोड़ा टिल्ट करके रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप 8-10 कोन रख सकते हो पीछे। लेकिन ये जो गाइड देख रहे हो, गाइड है, ट्रैवर्स गाइड है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो इसमें 10 बॉबिन या 10 कोन का रैपिंग कर सकते हो। वो इसका जैसे सरकमफेरेंस बोला था, ये पूरा परिधि जो बोलते हैं सरकमफेरेंस, वो एक यार्ड या एक मीटर का रहता है, वो इसका जो रहता है ये पूरा पूरा रहता है डेढ़ यार्ड या डेढ़ मीटर। तो उस हिसाब से इसका देखो कंपोनेंट क्या है, रैप रील का ये हो गया, बॉबिन का स्टैंड हो गया, बॉबिन है, ये हो गया ट्रैवर्स हुक है, ऐसे घूमता रहेगा, और यहाँ मोटर लगा हुआ, और मोटर से बेल्ट के थ्रू इसका शाफ्ट को जाता है मोशन, वो घूमता रहता है, और ये पुली है, ये भी पुली है,
और इसे बेल्ट लगता है, ठीक है। ये हो गया मशीन का मोटा मोटा आपको बता दिया गया। और सबसे पहला देखो रैप प्लग होता है 1 यार्ड या 1 मीटर रहेगा, रैप रील होता है 1.5 यार्ड या 1.5 मीटर रहेगा। और रैप रील में क्या होता है, धागे का ये होता है काउंट निकालते हैं, 1.5 यार्ड इसीलिए रखता है क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है ना 80 रोटेशन में रहता है, मतलब 80 रोटेशन होगा 1.5 यार्ड होगा मतलब 120 यार्ड का सैंपल हो जाएगा, या 80 रोटेशन होगा 1.5 मीटर होगा तो 120 मीटर का सैंपल हो जाएगा। और भी बात ये उठता है जो सैंपल जो बनाते हैं, मैं आपको बता दूँ रैप लॉग या रैप रील कितना हो गया, वन एक तो हो गया यार्ड सिस्टम, एक हो गया मीटर सिस्टम, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखिए यार्ड सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ 840 यार्ड्स वे 1 पाउंड, मतलब 840 यार्ड 1 पाउंड होता है तो इसको 1 काउंट बोलते हैं। तो इसका एनी का फॉर्मूला, एनी वाला फॉर्मूला जो इंग्लिश काउंट बोलते हैं जो जनरली अपना चलता है, तो जैसे 840 यार्ड 453.6 ग्राम होने से 1 काउंट मानते हैं, तो 1 यार्ड अगर लेंगे तो 453.6 / 840 हो गया 0.54। ये 0.54 होता है, मैं इसीलिए हाईलाइट किया हुआ ब्लू इंक में लिखा हुआ, ये होता है मेन कंस्टेंट। 0.54 कहाँ से आया ना, 453.6 में 840 डिवाइड किया 0.54 आया। इसको हमेशा ध्यान रखो, वो जैसे आपने कार्डिंग का जो RSP का स्लाइबर का रैपिंग किया या इसका क्या अपना ब्रेकर का किया या कोम्बर का किया, तो इसमें 6 यार्ड का सैंपल लेते तो 0.54 × 6 3.24 पर स्लाइबर, कोम्बर का स्लाइबर है और इसका ब्रेकर का फिनिशर का 6 यार्ड में करते तो 3.24। और मेन फार्मूला इसको ध्यान रखो, ये जो कंस्टेंट आएगा ये सारी कंस्टेंट है जितना है ना कंस्टेंट है, कंस्टेंट आएगा, कंस्टेंट में सैंपल का वेट जो भाग करना डिवाइड करना तो आएगा काउंट इन एनी हैंग आएगा या काउंट बोल दो जो भी बोल दो वो आएगा। ऐसे जैसे 15 यार्ड का वजन किया तो 0.54 × 15 तो 8.1 सिंपलेक्स का, जनरली हम 15 यार्ड का लेते तो 8.1 पर सिंपलेक्स हो गया। 30 यार्ड का वे जो होता है 0.54 × 30 16.2 हो गया पर कार्डिंग, कार्डिंग में जैसे बिना ऑटोलेबल का कार्ड है लेफ्ट फीड कार्ड है तो उसमें आप 30 यार्ड का ले लो कि बहुत है, और 100 यार्ड्स ओए 0.54 × 100 हो गया 54। ये ऑटोलेबलर कार्ड का, ऑटोलेबलर कार्ड का हम जनरली रिक्स नहीं लेते, ये 100 यार्ड का ले लेते ताकि 2 गोड़ा भी बना देंगे रैपिंग आ जाएगा। ये ध्यान रखो ये जितना जो सैम्पलिंग किया ना ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सैम्पलिंग के टाइम में जैसे घुमाने वाला भी गलत हो जाएगा ना, जैसे 6 यार्ड बराबर घुमानी चाहिए 6 घुमाए नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसमें काउंट गड़बड़ा जाएगा। तो इसको बड़ा जो स्कूस का लड़का लगाते हो या लड़की लगाते हो इसको बड़ा ट्रेनिंग देना बढ़िया से ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि इसी का ऊपर अपना मार्केट डिपेंड करता है। उसके बाद देखो 120 यार्ड अगर है 0.54 × 120 64.8 पर रिंग फ्रेम एंड ऑटो कॉर्नर यार्न, तो ये यार्न के लिए 64.8 समल आपके मतलब 64 जो आपने 30 काउंट चला रहे हो या 20 काउंट चला रहे, 20 काउंट चलाओगे वजन ज़्यादा आएगा 120 यार्ड का, 30 काउंट चलाओगे कम आएगा, तो उसी हिसाब से इसमें 64.8 में उसका वजन भाग करना एक एक ली, जैसे यहाँ 10 ली बनेगा ना 10 ली का इंडिविजुअल एक एक वजन करना काउंट निकलता रहेगा। तो उसके बाद देखो ये हो गया आपकी यार्ड सिस्टम वाला में, और यहाँ देखो फॉर मीटर सिस्टम क्या होता है 840 यार्ड्स वे 453.6 ग्राम, ये हो गया काउंट का फॉर्मूला है, जो 840 यार्ड को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 840 × 36 / 39.37 ये 36 क्या हो गया
एक यार्ड जो होता है, एक यार्ड होता है 36 इंच होता है, ये लिख देता हूँ, एक यार्ड होता है 36 इंच होता है, एक मीटर होता है 39.37 इंच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 840 × 36 / 39.37 तो 768 मीटर आ गया। ये देखो, ये जो 840 यार्ड था, ये 768 मीटर आ गया, इसको मीटर में मैंने कर दिया, तो 768 मीटर जो हो गया 453.6 ग्राम आ गया, ठीक है। तो एक मीटर कितना आएगा, 453.6 / 768.0975, मतलब ये आ गया 59। ये आप ध्यान रखो, जब आप यार्ड में काउंट वगैरह निकालने जाते हो 0.54 का पकड़ना, अगर मीटर की आपकी है तो 0.59 में पकड़ना। ऐसे 0.59 के हिसाब से देखो, अगर 6 मीटर का लिया, 0.59 × 6 3.54 पर स्लाइबर, ठीक है, और 0.59 × 15 हो गया 8.85 पर रोबिंग, 0.59 × 30 17.7 हो गया कार्डिंग का, 0.59 × 100 59 हो गया कार्डिंग ऑटोलबलर वाला, 0.59 × 120 हो गया 70.8 रिंग एंड ऑटोक्रोन। ये आपकी हो गया मीटर सिस्टम का, ये जो है ना मीटर सिस्टम का है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जैसे कि अपना कभी भी रैप ब्लॉक रैप रील कोई भी नया मिल में मंगाते हो, इसको पहले सर्कमफेरेंस चेक करना, वो यार्ड में है या मीटर में, तो उस हिसाब से आपको कंस्टेंट देना है, और उस कंस्टेंट के हिसाब से काउंट निकलेगा, और काउंट निकालने का फॉर्मूला फिर से दोबारा बोलता हूँ, ये जो कंस्टेंट है उसमें रॉ मटेरियल का वजन डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपके हैंग बोलो या काउंट बोलो जो भी निकलेगा। तो मीटर और यार्ड का डिफरेंस यही है। बहुत मैंने देखा हुआ, मेरे साथ ही एक मिल वाला का धोखा हो गया था, मतलब सारी माल बन गया, मार्केट चला गया, वो लोग 40 काउंट बना रहे थे, 142 काउंट चला गया, तो वो पार्टी कंप्लेन किया। तो ऐसे ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना चाहिए किसी को भी, और आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।